दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो स्टार्टिंग से पहले अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें डेली बेसिस पर ब्लॉग देखने के लिए। दोस्तों आज की जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि फ्रेंड आज की हम इस वीडियो में जो है शेयर में दिया जो तराब भाई है इनको अपने पिजन जो है गिफ्ट करेंगे। क्योंकि आप में से बहुत से भाई ने मुझे कमेंट किया कि करते रहते हैं कि भाई आप तराब भाई को गिफ्ट करें करें करें। तो फाइनली दोस्तों आज वो दिन आ चुका है। आज हम जो है तुराब भाई को गिफ्ट पिजन जो है वो गिफ्ट करेंगे। यकीन जाने फ्रेंड ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब जो हया तो हम उनके शहर मुल्तान जाएंगे फ्रेंड, यहाँ से ट्रेवल करके वहाँ पर हमारे दो तीन काम भी हैं, रिलेटिव वगैरह भी रहते हैं उनके पास चले जाएँगे, और इसके अलावा जो पिजन वगैरह हैं वो भी उनको गिफ्ट कर लेंगे। तो जो हमारे आने वाले जो ब्लॉग्स होंगे इंशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। अगर तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर भी क्लिक वगैरह कर लें। तो मैं आपको पिजन वगैरह बताता हूँ फ्रेंड। आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि पिजन जो हैं उनके नीचे जो हैं बच्चे भी हैं। तो ये तो और बेहतरीन हो गया भाई क्योंकि पिजन के नीचे बच्चे भी हैं। क्योंकि लगा हुआ पिजन पेड़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो पिजन का ये केज है मैं खाली कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं न्यू पिजन ला के रखूँगा। लक्की वाला दूसरे तीसरे जितने भी फैंसी पिजन होते हैं वो वाले ला के रखेंगे हम। तो ये वाले जो पिजन है हम उनको गिफ्ट कर रहे हैं। तो चले मैं आपको पेयर वगैरह बता देता हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको पेयर कैसा लगा। और चले मैं बता देता हूँ आपको फिर इंशाल्लाह मैं या इसी वीडियो में हम उनको कॉल करेंगे, फिर पूछेंगे उनसे कि हम कब आएँ उनकी तरफ। क्योंकि एक दफ़ा पहले मैंने कॉल की थी तो उन्होंने कहा था कि अभी तुम्हारे सेटअप के ऊपर काम लगे हुए, कैसी काम खत्म हो तो आप आ जाएँ। तो दोस्तों अभी क्योंकि पहले भी रिप्लाई भी नहीं कर रहे थे तो चले मैं आपको पिजन वगैरह जो है हमने उनको गिफ्ट करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताएँ कि ये पेयर कैसा लगा आपको। ये रहा पेयर ब्लैक वाला, आप चेक कर सकते हैं जो आपने मेरी पुरानी वीडियोज में देखते रहे होंगे। ये रहा मेल, आप देख सकते हैं कितने गुस्से से कितना देख रहे हैं। और ये रही फीमेल फ्रेंड, अभी मुझे एक समझ नहीं आ रही क्योंकि यार इसके बच्चे आपको मैं बता दूं सबसे पहले। ये रहे इसके बच्चे, दो बच्चे हैं माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे हैं। अभी इसके पंख फिर आ रहे हैं बच्चों के। दोस्तों अभी ये फीमेल इसकी जो एक आँख का जो मसला है वो बन गया है ना, इसकी आँख कोई ख़राब होगी पता नहीं क्या इशू आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों के पास कोई ट्रिक वगैरह तो मुझे बताएं, आइडिया वगैरह है तो जिससे मैं इसका ट्रीटमेंट वगैरह कर सकूँ। इसके अलावा बहुत से भाई कह रहे थे कि ठंडा पानी इसके मारो में करते हो तो इसकी पॉलीफेक्स जो क्रीम वगैरह होती है वो भी इस्तेमाल किए, तो अभी तक इसके ठीक नहीं हुई। ये वाला पेयर है माशाल्लाह से, खैर आई करता मसला नहीं, आई का पेयर जो है वो ठीक हो जाएगा आई वगैरह। तो ये रहे बच्चे और ये रहा मेल, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो ये वाला जो पेयर है हम उनको गिफ्ट करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारे पिजन के ऊपर वो कैच के ऊपर जो था अंगूर का जो दरख्त था वो देख सकते हैं आप कितना बड़ा हो गया फ्रेंड माशाल्लाह से। अभी इसने सारा जो हमारा कैच था उसके ऊपर कवर कर लिया है। तो चलें अच्छा है, गर्मी वगैरह जो सेक वगैरह होता है ये नहीं आता है उसी ऊपर, मैंने इस वजह से डाली हुई है ये केली का डाली हुई है यहाँ पर, मतलब कि नीचे फिर गर्मी का असर इतना नहीं पहुँचता क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है यहाँ पर। अब तो सावन का महीना है, हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। तो ये झुके पत्ते जो होते हैं कभी कभी बीच बीच में से मैं हटाता रहता हूँ, फिर ये बुरे लगते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसे कितनी ग्रीनरी हो गई है नीचे, हमारे जो है पहाड़ वगैरह रह रहे हैं, इनका केज भी काफ़ी गंदा हो गया तो इसकी सफाई वगैरह भी करनी है हमने। तो ये संडे, कल संडे इंशाल्लाह कल हम इसकी सफाई वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर बस पे कहता हूँ इसी तरह ये वाले पिजन उनको दें गिफ्ट करें, या ये उनको गिफ्ट करेंगे या आप में से किसी भाई को जो है ये पेयर मिल सकते हैं। हम लकी ड्रा करवाएंगे तो उसमें से किसी जिस भाई का नाम निकला तो हम उसको भी दे देंगे। तो चलिए जब तक गुरु के रिप्लाई ना आए तो दोस्तों इसके अलावा हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं जो फाउंटेन बनाई है, जिस तरह की आपने देखी होगी तो आप भाई लोगों के जो छत के ऊपर बनी हुई है शहर में देहात वाले, तो उनके छत के ऊपर जिस तरह बनी हुई है तो इस तरह हम यहाँ अपने छत के ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर उन काफ़ी बड़ी है लेकिन हम छोटी बनाएंगे, हम इतनी बड़ी नहीं बनाते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह थोड़ी छोटी है, लेकिन बनाएंगे उस तरह की। मैंने जो जो कारीगर उसको मैंने डिज़ाइन वगैरह बता दिए तो उसने बोला ठीक है भाई यहाँ पर बन जाएगी इंशाल्लाह। तो ईंटें वगैरह यहाँ पर ला के हमने छोड़ दिए, तो अब आएगा तो काम वगैरह अपना स्टार्ट करेगा, और ईंटें वगैरह भी लानी पड़ेंगी और नीचे छोड़ी हुई हैं, और जब वो जैसे ही हमें बताएगा कि और कितनी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लाएंगे और यहाँ पर और जो काम वगैरह है वो स्टार्ट कर लेंगे, नीचे पड़ी हुई हैं हमारे पास। तो इंशाल्लाह जो हमारे व्लॉग्स होंगे इंशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। यहाँ पर कौन शाला हम और गैजेट्स कॉलोनीज वगैरह भी बनाएंगे और इंशाल्लाह मतलब कि जो है ना बेहतरीन करेंगे काम को, और इंशाल्लाह हर तरह के पार्ट्स वगैरह जो हैं वो हम ला के रखेंगे यहाँ पर। और दोस्तों आप हमारे जो के पौधे वगैरह आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने हरे भरे हुए हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड यकीन जाने आप। इनके ऊपर बाहर पानी वगैरह इतना अरसों में मैंने डाला क्योंकि रात को डेली रात को बारिश वगैरह होती है, तो बेहतरीन हो गया एकदम क्योंकि पौधे वगैरह हैं ना बिल्कुल टाइट हो गए हैं।
अब इनके ऊपर मुझे पानी वगैरह भी नहीं डालना पड़ता लाइक, और जो है खुद ही मतलब कि बारिश लग जाती है तो अब देख सकते हैं कैसे हरे भरे हुए। पहले तो गर्मी की वजह से मतलब चारों का बुरा हाल उबा हुआ था, तो अब ठीक हो गए हैं सारे। और फ्रेंड मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर साथ छोटी सी फाउंटेन बना लें और साथ ही पिजन का जो है छोटा सा डरबा बना लेंगे और यहाँ पर डरबा वगैरह रख लेंगे। तो अब जैसे ही फाउंटेन का काम ख़त्म होगा उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है पिजन के लिए छोटा सा केज बनाएंगे, वहाँ पर हम ला के रखेंगे लकी और जो से जिसे जितनी फैंसी पिजन होते हैं वो, और जो मैंने आपको बताया जिस पेन जिस केज में भी ब्लैक वाले पिजन थे वहाँ पर जो है हम ला कर रख लेंगे जो अपने होते हैं कोपोटेल वगैरह, और दूसरे जिसे जो बर्ड्स अपने पेरेट फेयर होते हैं वो ला के रखेंगे। ब्लैक वाला जो पेयर है वो हम उठा कर त्राबई को गिफ्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, फी अमान अल्लाह।